तो यहाँ पे मैंने दीदी को गोदी में बिठाया है, तो बाबू भी आ गया है और वो भी अब बोल रहा है मम्मी मुझे गोदी में बिठाओ, क्योंकि कभी कभी वो भी गोदी मांग लेता है, कहता है बिठाओ मम्मी। तो अब मैं उन वो भी यहाँ पे गोदी में आके बैठ जाएंगे और दीदी उनको देखे कैसे खिलखिला के हंसती है, खेलती है उनके साथ। तो देखिए अब उनको भी गोदी में मैंने बिठा लिया है और वो अपनी दीदी को अच्छे से पकड़ लेंगे ताकि दीदी गिरे नहीं। देखिए और दीदी ये ना मोबाइल को कैसे देख रही है, मोबाइल से नज़र नहीं हटती है। बाबू जब मोबाइल में कार्टून देखता है तो वो भी मोबाइल से नज़र नहीं हटाती है और मोबाइल छीनती है अपनी इससे भैया से। तो देखिए दोनों भाई बहन बैठे आराम से गोदी में और देख रहे हैं और दीदी भी बैठी है और बाबू से मैं यहाँ पे बातें कर रही हूँ तो भी बोल रहा है धीरे धीरे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और स्वागत है आप सबका मेरे वीडियो ब्लॉग में। और आज मैं अपने ब्लॉग में अपनी डेली रूटीन नहीं बताने वाली हूँ, मैं आज के ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ चेहरे पे हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, चेहरे पे हमें क्या लगाना चाहिए। अगर हमारा चेहरा, हमारा जो कलर पहले से डाउन हो चुका है, तो हमें अपना जो कलर है वापस पाने के लिए हमें ऐसा क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारा चेहरा फिर से ग्लो करने लग जाए, हमारे चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं वो मिट जाए। और इसी से रिलेटेड मैं आज ब्लॉग बनाने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक टमाटर। देखिए टमाटर की हम सब्ज़ी भी बना के खाते हैं, सलाद में भी खाते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सब्ज़ी बनाने के साथ साथ ये हमारे चेहरे पे भी हम इसे लगा सकते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है और चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। अगर हम अपने चेहरे को इस पे इसे लगाएंगे तो चेहरा अच्छे से ग्लो करेगा, पूरा मेल जो कालापन छाई हो बन जाती है वो हट जाएगी। और ले ली हमने हल्दी, तो हल्दी भी आप जानते हो कि हल्दी भी बहुत अच्छी होती है और चेहरे के लिए, किल मुहासों के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। चेहरे पे अगर किल मुहासे हैं और कालापन, काले दाग धब्बे हैं, तो हल्दी अगर हम लगाएंगे, हल्दी का प्रयोग करेंगे तो उससे दाग धब्बे मिट जाएंगे और किल मुहासे भी प्रॉब्लम, पूरी समस्या अच्छी हो जाएगी। तो हम इस तरह से टमाटर पे हल्दी को लगा लेंगे। तो हमने टमाटर काट लिया है और अब हम उसको हल्दी में अच्छे से लगा लेंगे, हल्दी को टमाटर के ऊपर, और इसके बाद फिर हम चेहरे पे यूज़ करेंगे इसका। तो देखिए मैं आप लोगों को चेहरे पे ही लगा के दिखा रही हूँ, हाथ पे लगा के नहीं दिखा रही हूँ, चेहरे पे ही लगा के दिखा रही हूँ। इस तरह से आप भी अपने चेहरे पे लगा सकते हो हल्दी को ऐसा टमाटर। और यहाँ पे वंशिका भी साथ में हमारी हेल्प कर रही है एडिटिंग करने के लिए, तो आप लोग देख ही लीजिए, उनकी भाषा भी समझ जाइएगा। तो इस तरह से हम सारे चेहरे पे टमाटर को लगा लेंगे और हम उसका रस भी अच्छे से बीच बीच में दबाते हुए लगाएंगे ताकि टमाटर का जो सारा रस है हमारे चेहरे पे लग जाए। और छोटे बच्चों के साथ अब तो जानते ही हो ना ये सब वीडियो बनाना, ये थोड़ी बहुत तो आवाज़ आ ही जाती है ब्लॉग में, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा कि मेरे पास एक ही कमरा है और उसमें ही मैं एडिटिंग भी करती हूँ, ब्लॉग भी बनाती हूँ, तो और बाबू भी रहता है और दीदी भी, तो थोड़ी बहुत आवाज़ उनकी आती रहती है। और मैं टेढ़ी मेढ़ी आके करके उनको ही देख रही हूँ, बाबू ये जो बाहर चले जाता है फिर अंदर आ जाता है, तो बीच बीच में देखना पड़ता है बच्चों को भी।
तो इस तरह से हम टमाटर को सारे चेहरे पे लगा लेंगे। तो अब हमारा चेहरे पे टमाटर जो हमने लगाया तो हल्का सा सूख गया है। देखिए 10 से 15 मिनट आप रख सकते हो चेहरे पे इसको, और जब ये सूख जाए, देखिए अच्छे से सूख चुका है ये, तो अब हम इसको ठंडे पानी से धो लेंगे। और धोने के बाद हम टॉवल से पोंछेंगे नहीं, हल्का सा उसको सूखने देंगे। और फिर देखिए हमने धो लिया है चेहरा, और अब देखिए हमारे चेहरे का कलर थोड़ा सा ग्लो आ गया है ना चेहरे पे, आप लोग देख के बताइए, थोड़ा सा चेंज तो लग ही रहा है ना हमारा चेहरा धोने के बाद। तो अगर हम इसे डेली डेली यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, एक बार में उतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम डेली यूज़ करेंगे तो हमारे चेहरे पे यकीन मानिए सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ हम एक बार लगाएंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम कोई महंगा क्रीम भी लाएंगे और एक बार लगाएंगे तो इतना अच्छा सा एक ही बार में फ़ायदा नहीं देगा, डेली डेली लगाना पड़ेगा हमें। और हमने शाम में पहनी है साड़ी, तो हम थोड़ा सा जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है 2-3 दिनों से, तो मैंने सोचा थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ, मतलब वहाँ जहाँ जा रहे वो हमारे ससुर लगते हैं रिश्ते में डॉक्टर साहब, तो साड़ी पहन के ही जाना पड़ता है। तो फिर मैंने साड़ी पहन ली है, सिंपल सी साड़ी ही है, कोई भारी साड़ी नहीं पहनी है, और मैं तैयार हो जाऊंगी। और साड़ी मैं बहुत कम पहनती हूँ, जैसे कहीं जाती आती हूँ तो पहनती हूँ, सब लोग कहते हैं साड़ी नहीं पहनती है, तो मेरे पास उतनी साड़ियाँ है भी नहीं, और भारी साड़ियाँ है तो मैं भारी साड़ी पहनना भी नहीं चाहती घर में। और भी छोटे बच्चों के साथ आप लोग समझ सकते हो प्रॉब्लम होती है साड़ी में, तो मैं थोड़े बहुत सुन लेती हूँ जो भी कहता है कि साड़ी नहीं पहनती है। अब क्या करें, आप समझ सकते हो, जो लोग भी साड़ी नहीं पहनते हो समझ सकते हो कि साड़ी हम पहने बहुत कम पहनते हैं और फिर पहनते हैं तो कितना अजीब लगता है इसलिए। और मैं शाम में यहाँ वेट कर रही हूँ इनके पापा का। और बाबू भी अपने पापा का ही वेट कर रहा है क्योंकि वो भी साथ में जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे खड़ा होके पापा को देख रहा है कब आएंगे, क्योंकि उन्हें भी घूमना बहुत अच्छा लगता है। और देखिए इनकी कटिंग आज कटवा दी है, ये अच्छे से कटवाता नहीं है इसलिए ऐसे जैसे भी बना थोड़ी देर बैठा और उन्हें लगता है, तो ये कटवा के लाए हैं इनके दादाजी। तो ये अपनी गाड़ियों से खेल रहा है और इंतजार कर रहा है पापा के आने का। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और मिलती हूँ कल अच्छे नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और बाबू पीछे चिल्ला रहा है जम जम से, देखिए अभी कैसे कर रही है।